मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा चुनाव के चुनाव आयोग द्वारा जैसे ही घोषणा की गई, वैसे ही राजनीतिक दलों का सियासी पारा चढ़ने लगा है। उसी क्रम में मुरैना विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रामप्रकाश राजौरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुरैना जिले में खनन माफिया के साथ साथ राजनीतिक माफिया भी पूरी तरह सक्रिय है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के इशारे पर उन्होंने जनता के वोट बेचने का कार्य किया, आजादी से पूर्व उनके पूर्वजों ने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी, इसी तरह से इन गद्दारों को मुरैना विधानसभा क्षेत्र की जनता जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मैं मुरैना शहर को भयमुक्त बनाऊंगा।